मेरे पास इतनी हैवी साड़ी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ब्लाउज कैसे स्टिच करवाऊं। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है? अगर आपको हैवी साड़ी के ब्लाउज कैसे सिलवाने बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। मैं आ गई हूँ एक और माय ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो लेकर जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। एंड इस बार ना मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा बिकॉज शादियों का टाइम चल रहा है, ठंडियों का टाइम चल रहा है, तो हैवी साड़ियों के संग कैसे ब्लाउज सिलवाएं। बिकॉज ठंडियों में हम लोग बनारसी पहनते हैं, हम लोग वो जड़ी मड़ी साड़ियाँ पहनते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है ठंडियों में पहनने को, उनको वसूल करने का। तो ऐसे टाइम पर सबसे ज़्यादा हमें काम आएंगे कि हैवी साड़ी के कैसे ब्लाउज सिलवाएं। तो बस चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट ब्लाउज से। इसकी ना डिज़ाइन कुछ ऐसी है, इसमें यहाँ पर ये कॉलर्स दे रखे हैं और आगे के ना ये फ्रंट बटन है। मैं कोई इसका पिक्चर लगा दूंगी, प्लस इनके ट्राई ऑन जो है वो साइड में लगा दूंगी मैं, तो आपको अच्छे समझ में आते जाएंगे। तो इसमें इस तरह का ये कॉलर दे रखा है। जो हैवी साड़ियाँ होती हैं, जो वर्क वाली साड़ियाँ होती हैं, उनके संग ऐसे डिसेंट से ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी फुल स्लीव्स है, क्योंकि जो ब्लाउज का कपड़ा आता है ना, तो उस कपड़े के साथ में इतना कपड़ा नहीं आता है कि हम फुल स्लीव्स के ब्लाउज बनवा लें। मेरी जो हाइट है 5'7" है, तो मेरे लिए उतना कपड़ा नहीं हो पाता है। तो ये जो कपड़ा है ये मैंने अलग से लिया था इसकी थोड़ी सी मैच करते हुए, एंड इसका जो बॉर्डर था वो मैंने नीचे लगवा लिया ऐसे। इसका ट्रायल लगाऊंगी तब आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसकी डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसी है, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बात करती हूँ अपने सेकंड ब्लाउज की। सारे ब्लाउज मैंने उधर रखे हुए हैं, इसलिए मैं उठा उठा के लाऊंगी या किसी को खड़ा करूंगी उठवाने के लिए। फिलहाल तो हम दिखा रहे हैं आपको ये वाला ब्लाउज, जो आपने मेरी मेहंदी में के फंक्शन में देखा होगा। तो ये ना कुछ ऐसा ब्लाउज है, ऐसे डबल कॉलर का है। अगेन इसका भी फोटो लगाऊंगी और हर एक ब्लाउज पर ट्रायल लगा दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें ना ऐसे ये डबल कॉलर दे रखा है ऐसे, जो शर्ट में लगता है, एंड एल्बो स्लीव तक का बनवाया था। वैसे ना मैंने क्या सोचा था कि इसमें वो जो लड़कों की शर्ट में आता है ना ऐसे फोल्ड करके और वो यहाँ पे बटन लगा देते हैं, वैसा कुछ सोचा था, बट टेलर मेरा बनाने भूल गए टेलर भैया। इसमें ना मैंने साइड में ऐसे ऐसे कट दिए और सामने से भी, इसमें ये फ्रंट में भी कट है। मैं इसका साइड में लगाऊंगी तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो यस, आप ऐसा ब्लाउज भी ट्राई कर सकते हैं। जो हमारी हैवी साड़ियाँ होती हैं उनके साथ ज़्यादा ऐसे कटे फटे ज़्यादा डिज़ाइन वाले ब्लाउज अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे डिसेंट से ब्लाउज अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं फिर नेक्स्ट ब्लाउज की। तो नेक्स्ट जो मेरी आपको ब्लाउज की डिज़ाइन दिख रही है इसकी, ये ऐसा है, ये यहाँ से ऐसा गया हुआ है, एंड इसमें ये कॉलर है। और सेम ना मैंने सेम का सेम पैटर्न आपका एक और ब्लाउज बनवाया अपने इस वाले ब्लाउज में, बिकॉज मुझे पैटर्न जो है बहुत अच्छा लगा। इसकी जो नेट है ना ये मैंने अलग से लेके लगवाई है, आपको दिख रही होगी, इसकी नेट मैंने अलग से लगवाई थी। पहन के इसका ट्रायल लगाऊंगी तब समझ में आएगा ये कुछ ऐसा लगता है। इसकी भी फुल स्लीव्स हैं, बनारसी कह लो ब्रोकेट कह लो। ये कपड़ा मैंने अलग से लिया था, 1.5 मीटर कपड़ा लिया था। अपने ब्लाउज की जो लेंथ है ये मैं रखती हूँ 17 इंच। मैं 5'7" हूँ पर मैं 17 इंच रखती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी साइड से साड़ी पहनती हूँ। एंड इसमें ना साइड में चैन लगी है, यहाँ पे साइड में चैन लगी है। मैं बताना भूल गई, जो मेरा फर्स्ट ब्लाउज है उसमें सामने की हुक है, जो सेकंड है उसमें भी सामने की हुक है, एंड इसमें साइड चैन लगी है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपने अभी तक ऐसा ब्लाउज किसी को पहने नहीं देखा होगा, बिकॉज पिंटरेस्ट पे बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने खुद ने एक्सप्लोर करी और 2 डिज़ाइन को मिक्स करके मैंने बनवाया था। एक काफ़ी डीप था, सभ्यसाची टाइप का था जो हम लोग नहीं पहनते, और उसमें भी एक वो ब्रा कट टाइप का एक वो था, मैं कुछ लगाऊंगी जो मैंने देखा था। तो वो ब्रा को कट को हम ऐसा तो नहीं पहन सकते रियल लाइफ में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ऐसे ये डबल कॉलर बनवा लिया। मैं लगाऊंगी साइड में तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यस, आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। बात करती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की। सॉरी, मैं हमने ना वहाँ रखे हैं तो सब वहाँ से उठा उठा के ला रही हूँ। तो इसका जो ऐसा है, इसका ये ऐसा है, सामने का ऐसा है, ये इधर से ऐसा गया है इधर से, और नीचे से कुछ ऐसा गया है। इसमें ये सिर्फ कौड़ी वाली लटकन लटकी हुई है। अगर आपको याद हो मैंने ये नवरात्रि में पहना था। बैक से इसका ये ऐसा दिखता है, ऊपर यहाँ पे ना डोरी लगी हुई है, और नीचे मेरे पास इसमें का एक और ब्लाउज था लेकिन उसमें लटकन अलग लगी थी। इसमें ना नीचे से भी ऐसी डोरी दी है, ये दी नीचे से भी ऐसी डोरी दी है। पहन के दिखाऊंगी अगेन तब आपको उसका अच्छा समझ में लुक आएगा पूरा। और यहाँ पे ये पाइपिंग लगाई है मैंने, ये कपड़ा मैंने अलग से लेके स्टिच करवाया, बहुत सुंदर लगता है। कई सारे साड़ियों के संग जाता है, रेड है ग्रीन के संग आप ले लो, येलो के संग आप ले लो, रेड के साथ आप ले लो, ऑरेंज प्लस रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। और अगेन इसकी भी फुल स्लीव से, आज जितने ब्लाउज दिखाऊंगी ज़्यादातर की मैंने फुल स्लीव रखी होगी या एल्बो स्लीव होगी। जो हैवी साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की साड़ी हो गई या बनारसी हो गई, या फिर जो हैवी बॉर्डर की साड़ियाँ आती हैं जो शादियों में चढ़ाई जाती है, चढ़ावे की साड़ियाँ, तो उन्हें पहन के तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। उन्हें पहन के तो हम केवल फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, तो उनके संग थोड़ा डिसेंट प्लस स्टाइलिश ब्लाउज होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस टाइप की डिज़ाइन सब मतलब रखी इन ब्लाउज में।
बात करती हूँ बहुत बेसिक और बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ना आगे इसकी वेरिएंट पहले दिखा दूँ फुल स्लीव से। अच्छा, उस वाले में साइड में चैन थी रेड वाले में भी। तो इसमें सामने से ऐसा गोल गला है, एंड बैक से इसमें पूरे में बटन दे रखे हैं ऊपर से नीचे तक। और बटन जो है वो मतलब हुक है, ये देखिए हुक है बैक में और बहुत पास है। एंड पूरे में ऐसे ये इसको क्या बोलते हैं, थर्माकोल के दाने वाली डिज़ाइन बोलती हूँ मैं तो, यार पता नहीं क्या कहा जाता है, इसमें पूरे ये दे रखा है। इसका सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि इसको हम फ्रंट से तो पहन सकते हैं, लाइक बोट नेक टाइप का तो पहन ही सकते हैं, प्लस हम लोग इसको बैक करके पहन सकते हैं। साइड में क्लिप लगाऊंगी फिर सबको समझ में आएगा। मैंने ना जैसा भी रेड दिखाया था इसी में तो सब्यसाची लुक किया था, इसी टाइप की सेम डिजाइन बनाई थी। मेरे संग क्या होता है ना, मुझे जब कोई डिजाइन बहुत अच्छी लगती है तो मैं उस पैटर्न के एक दो ब्लाउज और बनवाती हूँ। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, बहुत डिसेंट पैटर्न है। जो आपकी हैवी साड़ियाँ हैं, अगर आपका मन कर रहा है सिंपल सा गोल गला बस पहन लो इसे चिपका, वो बड़ा अच्छा लगता है। सारी सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, दीपिका पादुकोण को स्पेशली देखा होगा कितना प्यारा लगता है। एंड कभी मन कर रहा है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का तो इसको बैक करके और इसके थोड़े से बटन खोल के आगे के एंड इसको वी नेक में पहन सकते हैं। अगेन मैं आपको उसकी पिक्चर अटैच करूंगी साइड में, आप देखना कि बैक से भी कितना ये प्यारा लगता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की। तो नेक्स्ट ये जो ब्लाउज है, एक्चुअली ना ये पेपलम स्टाइल ब्लाउज बनवाया था मैंने उन गर्ल्स के जिनकी थोड़ी सी टमी है मेरी तरह। तो ये जैकेट स्टाइल है प्लस ये पेपलम स्टाइल है। लाइक मैंने ना एक दुपट्टा था मेरे पास, तो दुपट्टे का जो बॉर्डर था उसको मैंने यहाँ लगवा लिया एंड ऐसे मैंने यहाँ से ये, तो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा आ जाओ, ये कुछ ऐसा है। साइड से इसमें नीचे से जो है ये हल्की ऐसे मैंने प्लेट दे रखी है, पूरा पीछे तक का होगा। फुल स्लीव्स है इसकी एंड पीछे ये ना 100 या 150 रुपए का दुपट्टा था मेरा, और ये बहुत कड़कड़ वाला दुपट्टा था, प्रिंट बहुत प्यारा था इसलिए मैंने ले लिया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे प्रिंट अच्छा, मतलब इतना कड़कड़ कारण पहनने में नहीं आया, तो मैंने इसका ब्लाउज बनवा लिया। संग में आती है इसकी ये वाली बेल्ट, मैंने इसके संग बनवाई थी। पूरा फुल पहन के लुक लगाऊंगी तब समझ में आएगा। तो आप ऐसा ट्राई करना अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं, अगर आपका जो आगे का जो टमी है थोड़ा सा हैवी है तो ऐसा ट्राई करना, थोड़ा सा अलग लगेगा। आई मीन रेगुलर जो पहनते हैं ना उनसे ही बहुत अलग लगता है ऐसे जैकेट टाइप का। इसको हम ओपन करके पहन सकते हैं, इसको हम बंद करके पहन सकते हैं। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की। नेक्स्ट ब्लाउज ना मेरा ऐसा है, ये भी मैंने नेट लेकर और फिर उसका ऐसा कुर्ती स्टाइल बनवाया। पास से दिखाऊं तो इसमें ऐसे ये सब हमने प्रॉपर बनवाया है। आप देखो यहाँ पे अस्तर है और यहाँ पे ऐसे कंगूरे दिए हुए हैं। और नेट आपको अपनी पसंद की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जितनी सुंदर नेट होगी उतना प्यारा ब्लाउज लगेगा। इसकी इतनी बड़ी स्लीव्स बनाई, कहीं तो उनसे फुल थी बट वो उस कपड़े में निकल नहीं पाए इसलिए इतनी बड़ी बनी है। कुर्ती स्टाइल का ब्लाउज है साइड में, क्योंकि मैंने इसमें एक कट दे रखा है इसमें भी, और इतना ऑसम लगता है, बिल्कुल प्योर जो गर्लिश लुक आता है वैसा लुक आता है। आप एक बार ऐसा ब्लाउज जरूर ट्राई करना कुर्ती स्टाइल का, बहुत 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 सुंदर लगता है। इसे मैंने ना इससे पहले पेंटॉन का कलर ऑफ द ईयर वाला लुक किया था, आपने अगर देखा होगा, तो नहीं देखा हो तो उसका भी वीडियो देख लेना आप एक बार जाके, अच्छा लगेगा आपको। और साइड में मैं लगा दूंगी तो आप इसका वो लुक देखना यार कितना प्यारा आता है। बैक से इसका ऐसा बनवाया था, बैक सिंपल रखा था। ब्लाउज स्टिच करवाते टाइम दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, एक तो उसकी जो लेंथ आप जितनी बनवाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी बनवाइए, लाइक 1 इंच आप बड़ा करवा लीजिए, क्योंकि हम लोग जब स्टाइल करते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं तो वो मतलब कि थोड़ा सा ऐसे में ज़्यादा ऐसा ऊँचा ना दिखे। मेरा तो 17 इंच है, तब भी आपको दिख रहा हो कि थोड़ा दिख रहा है नेट की साड़ी, इसलिए तो ज़्यादा ऊंचा सा ना लगे। एंड सेकंड इनके जो हुक है ना ये बहुत पास बनवाइए, जिससे जब हम लोग ऐसे हो ना तो वो गैप ना दिखे। सो नेक्स्ट ब्लाउज है हमारा सभ्यसाची इंस्पायर्ड ब्लाउज। ये ब्लाउज का पैटर्न जो है ये मुझे इतना ज़्यादा जमा। मैंने 30 लुक किया था और उसमें मैंने ये पहना था, और ये इन जनरल सामने से भी ये ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेली इसमें एक कमी है कि ये स्लीवलेस है, एक्चुअली इसका कपड़ा नहीं बचा था। मुझे ये ब्लाउज बहुत इमरजेंसी में चाहिए था और इतना टाइम नहीं था कि मार्केट जाके कपड़ा लाऊं फिर दूं फिर स्टिच करवाऊं, तो मैंने इसको स्लीवलेस करवा लिया। बैक से इसका कुछ ऐसा है और फ्रंट इसका ऐसा है, लेकिन मैं सच में कहूंगी अगर आप एक बार ट्राई करें फ्रंट, क्या मैंने ये जो कपड़ा है ये पर्पल वाला, ये अलग से अपनी साड़ी के जो सारे कपड़े उसमें कई सारे कलर्स थे उनमें से कलर उठाया, मेरे पास एक ऐसा पीस पड़ा था मैंने ये अंदर लगाने को दिया है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, अपने ब्लाउज पीस में एक अलग से कलर लगवा लीजिए। यहाँ पे ये लेस मैंने अपने पास से लगवाई है और ये इस तरह की स्लीव्स बनाई है, बट ये बहुत 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 सुंदर लगता है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस तरह के, इनफैक्ट जितने दिखाए सब तरह के हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, आप जरूर जरूर ट्राई करना।
बात करती हूँ नेक्स्ट की, आपको बोर तो नहीं हो रहा है शायद? ओके तो बात करती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की। नेक्स्ट ब्लाउज अगेन वो कॉलर वाला है जो मैंने अभी इससे पहले एक बार दिखाया था, उसी टाइप का पैटर्न लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ऐसा कॉलर है सामने, इससे इसमें हुक दे रखा, पास से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, और फुल स्लीव्स है इसमें। अगेन बहुत प्यारा लगता है जब आपको, क्योंकि ना कई सारे लोग, हर बंदा इतने डीप नेक में कंफर्टेबल नहीं होता है, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो ऐसा कुछ ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं। फुल लॉन्ग ब्लाउज है, फुल लेंथ के ब्लाउज हैं, और कहीं से भी कुछ दिखने के भी स्कोप नहीं रहता है। सबसे बेस्ट बात है चूड़ी पहनने का टेंशन नहीं रहता है यार कि क्या पहनेंगे, फुल स्लीव्स है तो बिना चूड़ी के भी काम बन जाता है। तो यस, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैं ना इनको पूरे पूरे लगा दे रही हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। इसके अलावा मैं पिक्चर्स जो लगाऊंगी आप उनको भी देखते जाना। दो ब्लाउज और बचे हैं, अगर मेरा वीडियो आपको लंबा लग रहा हो तो बस दो ब्लाउज और देख लो। सो बात करती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की। इसका लुक तो मुझे लगता है आपको पहन के ही समझ में आएगा, फिर भी दिखा देती हूँ आपको। स्लीव्स बताती हूँ, स्लीव्स का कपड़ा नहीं था, ये मेरे टेलर भैया ने लेकर लगा दिया। कहने लगे कि भाभी इतना अच्छा ब्लाउज है, स्लीव्स बनवा लो इसमें, क्योंकि इसकी साड़ी बहुत प्यारी है। तो स्लीव्स का कपड़ा लगाया हमने नेट का, और वैसे मैं अगर होती तो नेट की जगह कुछ और कपड़ा लेके आती, बिकॉज नेट का लुक ना वो एक जैसे ही लगता है, कॉमन लगता है। एंड जो साड़ी का जो बॉर्डर था, जो ब्लाउज का बॉर्डर था, वो यहाँ लगा दिया। मैं ऐसा नहीं करवाने वाली थी, और मैं चेंज करवाऊंगी इसकी स्लीव्स में, कभी बताऊंगी आपको। और इसका आगे से ऐसा कॉलर है, और बैक से इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा है। नीचे से इसको फिट करने के लिए ऐसी डोरी दे रखी है, देखिए मैं बताती हूँ ऐसा। इसमें कोई पैड नहीं है। हाँ, मैंने जितने ब्लाउज दिखाए मैं किसी में भी कोई कप्स नहीं है। कप्स के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लाउज के संग क्या पहनती हूँ इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है वो कोई इतना ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लगेगा, बिकॉज मैंने उसमें अपने सारे राज शेयर किए हैं आपके संग। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना। कोई निप्पल टेप नहीं, कोई निप्पल पेस्ट्रीज नहीं, वो जो भी होता वो सब कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने बताया आपको क्या क्या करना है। तो फ्रंट का इसका ब्लाउज जो है वो कुछ ऐसा है, लाइक मैं कैसे बताऊँ, अंगर रखा भी नहीं, मतलब मैं इसको क्या कहूँ, ऐसा नीचे से ऐसा। आप अच्छे से देख लो इसको, मैं पहन के बाकी इसको समझा पाऊंगी। आई डोंट थिंक कि मैं इसको ढंग से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊंगी जो ये है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें चैन या हुक कहाँ लगवाया, तो मैंने इसमें चैन या हुक कहीं नहीं लगवाया, ना साइड में ना कुछ है, ऊपर है। ऊपर इसका एक हुक खोलो तो फिर ये अपन पहन लेते हैं। इसके बाद ये हुक बंद कर दो। बंद करने के बाद जो ये नीचे की डोरियां हैं, इनसे आपका आगे का जो शेप है ये कैसे फिट होगा, ये डोरियों को जितना आप टाइट करोगे इसके अकॉर्डिंगली इसका शेप फिट हो जाएगा। तो ऐसा लगता है, बाकी पहन के आपको ट्राई ऑन भी समझ में आएगा, साइड में दिखेगा ट्राई ऑन, अगर लगा दिया तो देख लेना साइड में। और एक और ब्लाउज रह गया सभ्यसाची पैटर्न का है, वो भी मैं लेके आती हूँ, एक सेकेंड, वो यहाँ नहीं है। ओके सो हम लेके आ गए हैं अपना लास्ट ब्लाउज। अगेन ये भी सभ्यसाची पैटर्न में, जो मैंने इससे पहले एक और ब्लाउज दिखाया ना, मैंने कहा इसमें स्लीव्स नहीं है, उसी का थोड़ा सा छोटा वर्जन है, लेकिन ये बहुत स्टाइलिश लगता है, बहुत ज़्यादा। इनकी स्टाइलिंग मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी, दिखाती हूँ। इसकी जो स्लीव्स हैं, ये जो स्लीव्स हैं, इसको हमने यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी जोड़ लिया है। प्लेन कपड़ा लिया है ऐसे, और बैक में पूरे बैक हुक के ऊपर से लेके नीचे तक के बैक पूरा प्लेन है। बैक को देख के क्या करेंगे आप, इसलिए आप देखिए फ्रंट इसका। बाकी मैं लगाऊंगी इसका ट्राई ऑन, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप इसका फ्रंट देखिए, आई जस्ट होप कि आपको दिख रहा हो, और आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा हो ये। हाँ, दिख रहा है। सो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अपनी किसी हैवी साड़ी के लिए। सभ्यसाची पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लस सभ्यसाची की क्या है, बहुत डीप नेक होते हैं उनकी, तो नेक लाइन इतनी प्यारी होती है, इतनी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है। नेक लाइन मैंने सब में वही रखी, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ कितनी रखनी है सब अपने अकॉर्डिंग रखा है। बैक हुक है ये पूरा, जितने मैं आपको जितने ब्लाउज दिखाए हैं ज़्यादातर क्या करें मैंने कपड़े लेके बनवाए, बिकॉज जो नॉर्मल साड़ी के संग आते हैं उनके कपड़ों में हमारा बन नहीं पाता है। सेकंड, कभी कभी किसी साड़ी के संग ऐसा होता है ना कि हमें उसी साड़ी का ही ब्लाउज चाहिए होता है, लाइक स्लीव्स भी हम नहीं चाहते कि किसी अलग से कुछ हो, तो हम क्या करें, तो मैं क्या करती हूँ, साड़ी का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, जिसे जो स्टार्टिंग जहाँ से हम लोग साड़ी बांधना स्टार्ट करते हैं, उसमें से कम आधा, मतलब दो बिलास कपड़ा निकाल लेती हूँ पहले। उसके बाद सेम साड़ी की मैचिंग का प्लेन कपड़ा लाकर आगे पहले उसको स्टिच करवाती हूँ, एंड पिको फॉल जहाँ से है वो ऐसे नॉर्मल करवा लेती हूँ, नॉर्मल शुरू से लेकर। अब जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है वो हम स्लीव्स में लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा इतना होता है कि हमारा ब्लाउज बन जाएगा, बट इस कपड़े से हम स्लीव्स बनवा सकते हैं। मैंने कई साड़ी के संग ऐसा किया, कई बार पसंद शेयर भी किया इससे पहले भी, तो आप देख लेना। सो बस ये है हमारा लास्ट वीडियो, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा
आई एम सॉरी, मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से सोची थी अपने ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करने के लिए, अभी इनका ट्राई ऑन भी करना है मुझे और मुझे नेल एक्सटेंशंस को भी जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी में बनाया है। तो अगर आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी में लगा हो तो मुझे बताना, एडिट करते टाइम अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।